टू थ्री हर हर महादेव। आज हम लोग आ गए निष्कलंक महादेव जो कि भावनगर में आया हुआ है, और आज शिवरात्रि भी है तो भीड़ भी देख सकते हो कितना ज़्यादा है। आप जो वहां पे आप देख सकते हो महादेव जी का मंदिर है जो कि बहुत साल पुराना है, पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निष्कलंक महादेव आप कैसे आ सकते हैं, अब निष्कलंक महादेव कैसे आ सकते हैं और यहाँ का क्या कहानी है महादेव जी का। यहाँ पे समुद्र के अंदर महादेव जी हैं, मैं पूरी जानकारी दूंगा मेरे वीडियो में, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और मैं आपको बताऊंगा किस टाइम पे आपको यहाँ पे आना चाहिए, सारे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में बने रहें, चालू करते हैं हमारा ब्लॉग और शुरू करते हैं, आपको महादेव जी का दर्शन करवाएंगे शिवरात्रि के दिन। तो वीडियो को चालू करने से पहले एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को चालू करते हैं, चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। देख सकते हैं आप कितने श्रद्धालु पैदल पैदल यात्रा करते हैं। इस बीच समुद्र में महादेव जी का मंदिर है और आप चारों साइड देख सकते हैं, अभी फिलहाल समुद्र का पानी पीछे चला गया है और यहाँ पे सिर्फ कीचड़ रह गया है और सारे श्रद्धालु कीचड़ में से जा रहे हैं महादेव जी का दर्शन करने, जो कि 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सब श्रद्धालु आगे जा रहे हैं। लोकेशन की बात करें तो ये निष्कलंक महादेव भावनगर में आया हुआ है, कोलिया गांव में, जो कि भावनगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो आप भावनगर शहर से आपको ये गांव 25 किलोमीटर दूर पड़ेगा। निष्कलंक महादेव समुद्र के किनारे हैं, जो कि अरब सागर समुद्र का किनारे है महादेव जी का मंदिर। निष्कलंक महादेव इस मंदिर का नाम कैसे पड़ा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। निष्कलंक महादेव महाभारत के समय पांडवों के द्वारा अपने परिवार पर अत्याचार करने पर उनको अपना कलंक धोने का एहसास हुआ, तब श्री कृष्ण जी उनको एक काले कलर का ध्वज दिए और बोले पृथ्वी का भ्रमण करिए, जब ये ध्वजा ब्लैक से वाइट हो जाएगा जिस धरती पर, तब आपका कलंक उस धरती पे शुद्ध हो जाएगा। उस समय पांडवों के द्वारा कोलिया गाँव में भ्रमण करते करते पूरी पृथ्वी का गुजरात के भावनगर के कोलिया गांव में पहुंचे और यहां पर उनका ध्वज ब्लैक से वाइट हो गया। उस समय पांडवों ने यहां पर 5 शिवलिंग बनाए जो कि रेत से द्वारा बनाई गई थी शिवलिंग, और उस टाइम अपने प्रमाण शिव जी का प्रमाण प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि आप यहां पर उपस्थिति हो ताकि हमको पता चले कि हमारा काम संपूर्ण हो गया है। तब शिव जी ने यहाँ पे दर्शन दिया और जब से ही उनका जो भी कलंक था महादेव जी ने हर लिया, जो भी महाभारत में उनसे कलंक लगे थे वो दूर हो गए सारे, इसलिए इसका नाम निष्कलंक महादेव पड़ा है। तो आइए अंदर जाते हैं और सारे शिवलिंग देखते हैं जो कि पांडवों के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर 5 शिवलिंग अलग अलग दर्शन करेंगे उनका, और आप वीडियो में बने रहिएगा। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि पे बहुत भीड़ लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। ये आप ध्वजा भी देख सकते हैं, यहाँ पर ध्वजा हमेशा ऐसे ही लहराते रहता है। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और पानी अभी काफ़ी दूर है, जैसे जैसे टाइम ढलेगा ये पानी ऊपर आएगा और सारे श्रद्धालु को यहाँ से खाली करा दिया जाएगा और समुद्र का पानी शिवलिंग को छूकर उन पे जल अभिषेक करेगा। ये प्रतिदिन ऐसा होता है और आप देख सकते हैं शिवलिंग के दर्शन, क्योंकि तो अलग अलग 5 शिवलिंग है यहाँ पर। तो आइए मैं 5ों शिवलिंग के आपको दर्शन कराता हूँ। ये पहला शिवलिंग है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, शिवलिंग 1, जो कि आप एंटर करते हुए सबसे पहला शिवलिंग के दर्शन करेंगे। तो आप भी शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए। ये नंदी जी, यहाँ पे आप उनके कान में कुछ बोल सकते हैं, जो भी आपका मनोकामना है और वो आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरे शिवलिंग के पास चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। ये दूसरे शिवलिंग है जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, शिवलिंग 2 हैं और ये नंदी जी हैं।
तो आप इनका भी दर्शन कर लीजिए, शिवलिंग दूसरे का, हर हर महादेव। अगर वीडियो देख रहे हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखेगा। ये तीसरा शिवलिंग है जो कि आप देख सकते हैं, और ये रहे नंदी जी। आप भीड़ काफ़ी है शिवलिंग को, सारे दूध चढ़ा रहे हैं, जो आज शिवरात्रि है इसके वजह से आज भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। ये तीसरा शिवलिंग मैं आपको दिखाया, चौथा और पांचवा शिवलिंग अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये चौथा शिवलिंग है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये सबसे छोटा शिवलिंग, और ये नंदी जी यहाँ पर शिवलिंग, और लास्ट फाइनल मैं आपको शिवलिंग दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नंदी जी के कान में कुछ मनोकामना भी मांग सकते हैं। आपको मैं लास्ट शिवलिंग दर्शन करा रहा हूँ। ये रहे हमारे पांचवे शिवलिंग जो कि देख सकते हैं, ये लास्ट में हैं, त्रिकोण शेप में बने हुए हैं पाँचों पांच शिवलिंग। ये हमारे लास्ट शिवलिंग, पाँचों पाँच शिवलिंग के मैं आपको दर्शन करा दिया हूँ। निष्कलन महादेव का ये एंड पॉइंट है, यहाँ से समुद्र चालू हो जाता है। अभी पानी यहीं तक है, धीमे धीमे जैसे ही टाइम बीतेगा, शाम होगी, ये पानी ऊपर आ जाएगा, और ये पूरा पानी समुद्र का आप देख सकते हैं। आधा ध्वज के नीचे आप सेकेंड स्टेप देख रहे हैं, ध्वज के नीचे का वहाँ तक पानी भर जाता है, इतने पानी समुद्र का आ जाता है। जैसे जैसे शाम होगी और समुद्र का पानी शिवलिंग को टच करेगा, तो आप देख सकते हैं अभी के टाइम पर सारे श्रद्धालु यहाँ पर बैठ कर समुद्र के मज़े ले रहे हैं, और देख सकते हैं सारे फ़ोटो वगैरह यहाँ पे शूट कर रहे हैं। मैं थोड़ा अंदर जाके आपको दिखाना चाहता हूँ। समुद्र पानी तो वैसा थोड़ा मिट्टी टाइप का है, बट सब आधे आगे आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा होगा वीडियो में, तो सारे लोग नहा रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इच्छा है तो आप नहा भी सकते हैं, और यहाँ से देख लीजिए, महादेव जी का दर्शन कर लीजिए। पाँच पांडवों के द्वारा शिवलिंग स्थापित की गई थी, वो यहाँ पर है, और हम लोग पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ और जानकारी दे सके पंडित जी, तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे, जो कि आज मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, बट ट्राई करेंगे बात करके। अगर हमारे साथ पंडित जी साथ देते हैं, तो मैं आपको और भी जानकारी इस मंदिर के बारे में देना चाहता हूँ। स्वामी प्रागिरी जी, इनके से, यहाँ के ये पंडित जी हैं, इनसे ही सारी माहिती जानेंगे। निष्कलन महादेव कैसे नाम पड़ा, और ये जो जल में महादेव जी का शिवलिंग है, सारे माहिती हम लोग इन पंडित जी से जानेंगे। तो गोस्वामी जी, आप हमको महादेव, ये पाँच पांडव स्थापित मंदिर है। जब महाभारत के युद्ध था पांडव और कौरव के बीच, तो पांडव ने युद्ध में अपने भाई कौरवों को मारा, हजारों लोगों को मारा, तो उनको जो कलंक लगा, उनको भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई तुम राजा तो बन गए, लेकिन तुमने जो हजारों लोगों को मारा है और मरवाया उसका क्या, तो मैं अपने पाप धोने दो। तो उनको कृष्ण भगवान ने काला झंडा दिया, तो जहाँ ये काला झंडा सफ़ेद हो जाएगा, वहाँ तुम्हारा कलंक मुक्त होगा। और वो पांच पांडवों का काला झंडा इधर सफ़ेद हुआ था, इसलिए पांच भाई ने पाँच शिवलिंग की स्थापना कर मंदिर का नाम रखा है निष्कलंक महादेव। जैसे पांच पांडवों का कलंक मुक्त हुआ, वैसे जो कोई भी आता है उसका कलंक मुक्त होता है। और इधर पानी हर दिन 15-45 मिनट चेंज हो जाता है, हर अमावस और हर पूर्णिमा का सेम टाइम होता है, उसके बाद हर दिन चेंज होता रहता है पानी, और दिन में और रात में 24 घंटे में दो बार दर्शन होता है मंदिर के। महाराज जी, आप बताएंगे, ये जो भादरवी पूनम आता है, वहाँ यहाँ पे मेला भी लगता है? भादरवी अमावस का, भादरवी पूनम नहीं, भादरवी अमावस का मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला साल में वही होता है। ये पानी ऊपर आ जाता है, पीछे चला जाता है, ये भगवान का ये लीला है। डेली 45 मिनट पानी आता है और जाता है, डेली उसका चेंज हो जाता है टाइम। हर दिन आप सेम टाइम पे नहीं आ सकते, आज आए तो 11 बजे पानी आया, तो कल 12:15 बजे का, परसों 12:30, ऐसे हर दिन का टाइम 45 मिनट टाइम चेंज हो जाता है। और ये जो टाइमिंग क्या रहता है, अगर हमको दर्शन करना नहीं, इसका डेली का टाइम टेबल जो होता है उसमें देख के आना पड़ता है, उसके अलावा आप नहीं आ सकते। टाइम टेबल में देख के आओगे तो भी आपको दर्शन होगा, वरना आपको 6 घंटे तो रुकना ही पड़ेगा। टाइम टेबल हमको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ऑफलाइन है, मैं आपको दूंगा, ऑनलाइन में आप रख दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। हर हर महादेव। यहाँ पे जो पानी ऊपर आने का और नीचे जाने का जो टाइमिंग है, हर दिन अलग होता है। मैं आपको टाइम टेबल इस वीडियो में रख दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पूरा टाइम टेबल यहाँ का। मॉर्निंग का अलग, मंडे ट्यूसडे सारे अलग है। मैं आपको अच्छे से एक फ़ोटो पाड़ के रख दूंगा इसका, तो आप अच्छे से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। एक हिंदी में है और एक गुजराती में है, तो आपको अच्छे से मैं फ़ोटो रख दूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है, वाटर गो मॉर्निंग, मॉर्निंग में पानी चला जाता है, और वाटर कम आफ्टरनून, आफ्टरनून में आ जाता है। सारे ये वीडियो मैं आपको फ़ोटो में रख दूंगा, तो इससे आप वीडियो का जानकारी ले सकते हैं।
लोकेशन की बात करें तो निष्कलंक महादेव आपको भावनगर से लगभग 24 से 25 किलोमीटर कोलिया गांव के अंदर आया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप आते हैं तो आया आपको आप अहमदाबाद वडोदरा से आपको डायरेक्ट एसटी मिल सकता है भावनगर के लिए। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो भी आप ट्रेन से डायरेक्ट भावनगर आ सकते हैं, वहाँ से आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। और पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली वो मंदिर के पास आपका व्हीकल पार्क हो सकता है, तो आप कैसे भी आ सकते हैं। यहाँ पर ऑल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, बट यहाँ पे आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए, जो कि बहुत ही गुप्त है और बहुत ही अहम है महादेव जी के लिए, और ये मंदिर महादेव जी के लिए बहुत ही। आप देख सकते हैं जो हम लोग वहाँ पे निष्कलंक महादेव मंदिर महादेव जी के जहाँ पर खड़े थे, वो पूरा जलमग्न हो गया है, जो कि पूरा पानी ऊपर आ चुका है और मंदिर पूरी तरह से डूब चुका है, और सारे श्रद्धालुओं वहाँ से रिटर्न आ चुके हैं। मैं दूर से शूट कर रहा हूँ, वहाँ पे अलाउ नहीं है, सारे श्रद्धालुओं को रिटर्न किया जा रहा है। तो यही लीला है हर हर महादेव, देख लीजिए महादेव जी का लीला, पूरा मंदिर पानी में डूब चुका है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और पानी बढ़ रहा है तो हम लोग को यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, आप देखिए।